अम्बाला में नशा तस्करों पर नकेल कसने में जुटी अम्बाला पुलिस आए दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। नशा तस्करों पर एक बार फिर से अम्बाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर अम्बाला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे लगभग 3 लाख की हेरोइन बरामद की है। जानकारी देते हुए अम्बाला सिटी SHO ने जानकारी दी कि अम्बाला शहर के 2 खंभा चौक के नजदीक बड़ी मशक्कत के बाद नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गुप्त सूचना उन्हें मिली थी। उन्होंने जानकारी दी कि पकड़े गए नशा तस्कर से 23 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। फिलहाल आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा तस्कर से पूछताछ की जाएगी कि वो ये नशा कहां से लेकर आया था और इसको कहां पर सप्लाई किया जाना था। कल अमित और बाबू नाम का लड़का है जो इधर माजरी का रहने वाला है, उसके पास तो कल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो कहीं इधर एरिए में स्मैक बेच रहा है और इधर भी आएगा। तो जैसे ही उसकी सूचना मिली पुलिस पार्टी ने उसको यहाँ पर जो खंबा चौक के पास रोकने की कोशिश की। तो एक बार तो पुलिस पार्टी से निकल गया था, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद उसको ढूंढ लिया गया और जो उससे स्मैक बरामद हुई। कितने ग्राम स्मैक बरामद हुई? 23 ग्राम और 63 मिलीग्राम। कितनी वैल्यू होगी सर इसकी? वैल्यू तो इसकी अलग अलग वैल्यू है बाजार में, तकरीबन 3 लाख के आसपास तो इसकी होगी मेरे ख्याल।